Hello, my dear class 10 students. Myself, Vandana, your biology teacher. I welcome you all in this amazing online lecture series from Sanskaran Group of Schools. My dear students, in our last class, we started our chapter 3, that is, how do organisms reproduce? Today, we are going to take the second lecture of this topic. In this, we are mainly going to discuss about asexual reproduction and its types. Okay. So, last class में जो भी हमने पढ़ा, we discussed about sexual and asexual reproduction, then we discussed something about variations. आज हम शुरू करेंगे बेटा types of asexual reproduction. As you all know कि asexual reproduction में क्या है, there is involvement of only single parent. Single parent is involved, no formation of gametes, no fusion of gametes and no variations. Simple. So, just like our previous video, I am saying that please take a screenshot of the board so that it will be easy for you to make notes. Done. So, starting with the types of asexual reproduction, mainly 6 types ki asexual reproduction hai beta jo hum padhenge. Sabse pehla hai fission. Fission ka matlab kya hota hai? Just splitting ki koi bhi ek organism hai. Hame pata hai ki single parent involved hai. Jo parent cell hai, that will divide into 2 or more than 2 parts. तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजन. अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, then this is binary fission. अगर 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवीजन है, that is known as multiple fission. Multiple यानी कि many. Binary means 2. देखो नाम से ही क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, so that ये चीजें जो है आपको याद रखनी है एग्जाम टाइम तक. बडिंग. सेकेंड टाइप क्या है बेटा? बडिंग. फर्स्ट क्या था? फिजन. उसमें हमने 2 पढ़े, बाइनरी एंड मल्टीपल. अब अगर हम बात करें बडिंग की, बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है उससे साइड में कुछ एक आउटग्रोथ निकल आती है, एक बाहर की तरफ कुछ ग्रोथ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बड. और फिर धीरे धीरे क्या है, दिस बड विल गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. इस बड से बन जाता है न्यू इंडिविजुअल. थर्ड इज रीजनरेशन. रीजनरेशन एज द नेम सजेस्ट कि किसी कोई चीज़ दोबारा से जनरेट हो रही है. अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो रीजनरेशन को हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, कि जो बॉडी पार्ट अगर बाय चांस किसी ऑर्गेनिज्म ने लूज कर दिया है तो उसको दोबारा से प्रोड्यूस कर लेना. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो यहाँ से रिलेटेड तो नहीं है, बट जैसे आपने देखा होगा लिजर्ड्स जो होती है छिपकली, उनमें उनकी पूंछ जो है अगर इफ़ इट गेट लॉस्ट बाय सम हाउ तो क्या है, धीरे धीरे क्या है वो रीजनरेट हो जाती है. सो दे हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन. यहाँ पे हमने क्यों लिखा है रीजनरेशन, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जिनमें क्या है उनकी बॉडी का एक पार्ट दैट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इट विल गिव राइज टू अ कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म. कि बॉडी का कोई भी पार्ट है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और धीरे धीरे क्या है वो कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है. क्लियर? तीनों जो है आपको क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन या इसको हम बोल देते हैं स्पोरुलेशन. इसमें क्या होता है, कुछ टाइनी स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स. कि पेरेंट बॉडी है उसी के अंदर ही धीरे धीरे स्पोर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. फिर क्या होता है, फाइनली पेरेंट बॉडी जो है दैट विल गेट रप्चर और ये स्पोर हैं दे विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. सारा हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, बस यहाँ पे हमने क्या किया है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपके लिए समराइज कर दी है सारी चीज़ें. अब हम बात करें नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन माइट कन्फ्यूज यू, बट होना नहीं है. फ्रेगमेंटेशन क्या होगा कि पेरेंट बॉडी 2, 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर एक पार्ट से क्या है नया इंडिविजुअल बन जाएगा. रीजनरेशन में क्या था कि पेरेंट बॉडी से कोई एक पार्ट डिटैच हुआ, कोई एक पार्ट डिटैच हुआ और उसने नया इंडिविजुअल बनाया. इसमें क्या है, पेरेंट बॉडी है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है, उसके कम्प्लीट क्या है पार्ट्स हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और हर एक पार्ट से बन जाता है नया इंडिविजुअल. क्लियर? और लास्ट क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव एज द नेम सजेस्ट कि ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है. दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जैसे स्टेम है, लीव्स है, रूट है, उनसे अगर नया इंडिविजुअल बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इट इज ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जिनमें नेचुरली क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मिंट, पुदीना, उसमें क्या होता है उसका स्टेम जहाँ पे भी ग्राउंड को टच करेगा वहाँ से क्या है नई रूट्स बन जाती है, तो एक अलग से क्या है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम, उसमें क्या होता है उसकी लीव्स से क्या है नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये तो बात आई बेटा नेचुरल.
दूसरा है आर्टिफिशियल, कि लैब में क्या करवाया जाता है, टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, उसमें क्या होता है टिश्यू कल्चर में कि जो कोई भी प्लांट का हम पार्ट ले लेते हैं उसे लैब में कंडीशंस ऐसी रख के जो है ग्रो करवाया जाता है कि उससे क्या है एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। अब क्या है बेटा, ये शायद आपको सब कुछ सारा समझ में आ गया है, एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको 6 टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दे दिया है। अब हम एक एक करके इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द फर्स्ट वन, सी स्टार्टिंग विद फिजन, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, डन। हाँ जी, स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि नोट्स बनाने हैं बेटा आपको इसमें से। अब अगर हम बात करें फिजन की, फिजन क्या है, मैंने पहले ही बताया था स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि पेरेंट बॉडी क्या है दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाती है और नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म इंटू टू और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म, कि एक पेरेंट है वो डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बना देगा। अब बात करें अगर इसके टाइप्स की, तो फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन, मैंने वहां पे भी बताया था बाइनरी मतलब टू, तो यहाँ क्या हुआ पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स, कि एक पेरेंट से दो डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे, यानी कि एक जो पेरेंट सेल है इट विल डिवाइड इनटू टू सेल्स। अब इसमें भी बेटा डिफरेंट टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए फिशन के दो टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी के डिफरेंट टाइप्स किस बेसिस पे डिवाइड किया है हमने बाइनरी फिजन को, कि सेल का डिवीजन कैसे हो रहा है, कि क्या सेल का डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये देखिए, यहाँ देखिए मेरे हाथ की तरफ, ये कोई सेल है, ये जो प्लेन है ऊपर से नीचे की तरफ, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, कि अगर ये ऐसे डिवाइड होगा तो ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लेकिन अगर डिवीजन ऐसे होगा बेटा जो ट्रांसवर्स, यानी कि इस प्लेन में डिवीजन होगा, कि अगर इसके ऐसे दो पार्ट हो जाएंगे सो दैट विल बी ट्रांसवर्स डिवीजन। और अगर किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सके, जैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर टेढ़ा मेढ़ा किसी भी प्लेन से अगर बॉडी डिवाइड हो जाएगी तो उसको बोल देंगे सिंपल। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा सिंपल बाइनरी फ्यूजन मतलब कि कोई भी प्लेन हो, चाहे डायगनली, चाहे लॉन्गिट्यूडनली, चाहे ट्रांसवर्सली, कैसे भी हो, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी विल डिवाइड इनटू टू, इसकी बॉडी क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी थ्रू एनी प्लेन। यहाँ पे मैंने डायग्राम्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। जब हम सारे टाइप्स कर लेंगे तो क्या करेंगे, एक जो है मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी ऑर्गेनिजम्स की जहाँ पे ये प्रोसेसेस हो रही होंगी, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर जैसे ही पिक्चर देखोगे आप अपने आप समझ जाओगे कि किस टाइप का डिवीजन है। स्टार्टिंग विद सिंपल बाइनरी फ्यूजन, देखिए सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स थ्रू एनी प्लेन। एनी मतलब किसी भी प्लेन से, मैंने बताया चाहे डायगनल हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, कैसे भी डिवाइड कर सकता है, कोई फिक्स्ड प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है, इट कैन डिवाइड थ्रू एनी प्लेन। जो बोल रही हूँ बेटा प्लीज उसको ध्यान से सुनिए, इम्पोर्टेंट है इसीलिए बता रही हूँ। एग्जाम्पल है इसका वही अमीबा, बाइनरी फ्यूजन के लिए शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अमीबा, तो उसमें सिंपल, इट इज द टाइप ऑफ सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल में देखिए क्या होगा, अमीबा है, एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब क्या होगा, पहले होता है बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन, जब भी कोई सेल डिवाइड करेगी सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ताकि सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाए। अब फिर क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगी तो दो सेल बन जाएंगी, हर एक के पास अपना एक एक न्यूक्लियस, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब हमारे पास है दो न्यूक्लियस। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे, न्यूक्लियस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक नीचे एक ऊपर, तो डिवीजन होगा इस प्लेन के थ्रू, तो दो नई सेल्स बन गई। या फिर केस क्या हो सकता है कि न्यूक्लियस एक यहाँ है, देखिए मेरी पेंसिल जा रही है, एक यहाँ है, तो अब डिवीजन होगा ऐसे, पेंसिल को देखिए जैसे पेंसिल जा रही है, यानी कि डिवीजन, ये मैंने एरोज लगा रखी हैं कि डिवीजन अब होगा बेटा इस प्लेन में, तो लॉन्गिट्यूडनल में। या फिर एक और केस में क्या हो सकता है कि ये सेल है, एक ये है, एक ये न्यूक्लियस है, ये देखिए टेढ़ा, डायगनल प्लेन में डिवीजन हो सकता है, इनकी कोई भी प्लेन हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ऐसे हो सकता है, मतलब किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल बाइनरी फ्यूजन, क्लियर। अब देखिए आगे सेकेंड केस इज लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि यहाँ पे जो है फिक्स हो गया प्लेन कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में बॉडी डिवाइड करेगी। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है युगलीना, और एक है लेशमेनिया। लेशमेनिया
प्लीज़ एवरी वन पे अटेंशन. यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ एक होमवर्क, एक क्वेश्चन. नोट्स तो आपको बना नहीं है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को नाइन्थ क्लास में ये जो चैप्टर पढ़ाया था, वाई डू वी फॉल इल, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैं बताया था कि लेशमेनिया से एक डिजीज़ होती है, वो कौन सी होती है, दैट यू विल गिव आंसर. जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं इसका आंसर पूछूंगी जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी. आप सबको आंसर पता होना चाहिए. क्लियर? अब देखिए, हम यहाँ कर रहे हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी कि प्लेन कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. देखिए, ये कोई यूग्लिना की सेल है, ये क्या है, फ्लैजिला, जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे. न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है. सबसे पहले सेल के कंपोनेंट्स डिवाइड कर, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड कर गया. अब क्या है, धीरे धीरे सेल में क्या इन्वेजिनेशन बननी शुरू होगी कि सेल अब ऐसे डिवाइड करेगी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में. फाइनली एक से दो सेल बन गई. यहाँ पे हमारे पास सिंगल सेल थी, हेयर वी हैव टू सेल्स. सो डिविजन कैसे हुआ बेटा, थ्रू लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, प्लस इनका आपको कैरेक्टर्स पता होना चाहिए कौन से में किस प्लेन के थ्रू डिविजन हो रहा है. आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसका? नहीं भी लिया है तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, सो दैट नोट्स बनाने में आपकी हेल्प हो जाए. डन. अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन, दैट इज ट्रांसवर्स. एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ कि ट्रांसवर्स प्लेन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवीजन होगा बेटा. एग्जाम्पल इज पैरामीशियम. पैरामीशियम से भी डिजीज होती है, बताएंगे कौन सी होती है. ये देखिए क्या है, एक सेल है, न्यूक्लियस ने ऐसे ऐसे डिवाइड किया, यहाँ है एक, यहाँ है, और फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवीजन होके दो सेल्स बन जाएंगी. है ना, बिल्कुल सिंपल. नाम अगर आपको समझ में आ गया तो फिर तो आपको समझ आ ही जाना है. अब देखिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, पहले लेंगे स्क्रीनशॉट. डन. अब देखिए, फिजन के दो टाइप थे, बाइनरी एंड मल्टीपल. बाइनरी के हमने तीन टाइप्स पढ़ लिए, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. हम पढ़ेंगे अब मल्टीपल फिजन. मल्टीपल में मैंने क्या बताया था, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, वन विल डिवाइड इनटू मेनी सेल्स. एग्जाम्पल वेरी प्लाज्मोडियम, मलेरिया वाला याद आया? ये तो चलो मैंने ही बता दिया, वैसे ये भी होमवर्क होना चाहिए था कि प्लाज्मोडियम से क्या आएगा. होमवर्क होता तो मज़ा आता ना ढूंढने में कि नाइन्थ का सिलेबस भी, एनटीएससी वाले स्पेशली, नाइन्थ का रिवाइज तो करना ही है, तो अपना साथ साथ करेंगे, दोनों चीज़ें लिंक करके चलेंगे, तो कहीं कन्फ्यूजन भी नहीं होगा. अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले जो सेल है उसके बाहर बन जाती है एक और बोल, जिसको हम बोलते हैं स्पोर बोल, ठीक है. फिर क्या होगा, इसके अंदर नई, जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साथ ही न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन भी आनी शुरू हो जाएगी, इनकी नई सेल्स बननी शुरू हो गई. अब क्या होगा, धीरे धीरे जो ये बाहर वाली वॉल है, इट विल रप्चर, और जो ये नए इंडिविजुअल हैं, ये जो नई सेल्स हैं, वो बाहर निकलती रहेंगी, बाहर निकल के दे विल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. सो दिस इज मल्टीपल फ्यूजन. देखिए, एक था, एक ने डिवाइड करके मैनी बना लिए. बस फर्क क्या है यहाँ पे, कि जो शुरू में डिवीजन है वो बिल्कुल वॉल के अंदर हो रहा है, वॉल से बाहर नहीं हो रहा. फाइनली जब सेल्स बन जाएंगी नहीं, तो वॉल खुल जाएगी और जो सेल्स हैं दे विल बी एमिटेड आउट. क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप. पहला पढ़ लिया फ्यूजन, उसमें दोनों पढ़े हैं हमने, बाइनरी भी और मल्टीपल भी. सेकेंड वन इज बडिंग. बडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. बडिंग में मैंने क्या बताया था, एक आउटग्रोथ निकल जाती है पेरेंट बॉडी से, इनकी बाहर की तरफ कुछ ग्रोथ होने लग जाती है और फाइनली वो क्या है, नया इंडिविजुअल बना देती है. इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा, और एक एग्जांपल है बच्चों यीस्ट. यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट. अब अगर हम बात करें बडिंग की, तो बडिंग में क्या होगा, बड अराइज फ्रॉम पेरेंट एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. जैसे मैंने हाइड्रा का एग्जाम्पल दे के यहाँ समझा, ये है एक बेटा पेरेंट जो सेल है, कि ये एक हाइड्रा है. धीरे धीरे क्या होगा, इसकी एक साइड से एक आउट ग्रोथ, यानी कि बाहर की तरफ कुछ ग्रोथ शुरू हो जाएगी. देखिए यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज नाउ बड. अब क्या होगा बेटा, धीरे धीरे ये क्या है, ये बड इट विल ग्रो इन साइज, और ये एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा. और फिर क्या होगा, इट विल डिटैच फ्रॉम द जो पेरेंट की बॉडी है, उससे ये अलग हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. बिल्कुल सिंपल है कि पेरेंट बॉडी से बाहर की तरफ कुछ ग्रोथ शुरू हुई, कुछ आउट ग्रोथ शुरू हुई, धीरे धीरे दैट विल डिटैच फ्रॉम द जो पेरेंट बॉडी है, एंड इट विल फाइनली फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दूसरा एग्जांपल है बेटा यीस्ट. यीस्ट में क्या होता है, सपोज करो ये एक सिंगल सेल है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर निकलेगा बड,
बट विल डिवाइड और यहाँ बन गई एक और नई सेल, यहाँ बच गया जो हमारी एक सेल। अब इससे भी ऐसे ही बट कई बार क्या होता है कि एक पूरी चेन बन जाती है कि एक ये इसके ऊपर और फिर निकला है, इसके ऊपर और निकला है, तो ऐसे क्या है देर एक चेन ऑफ यीस्ट सेल बन जाती है। धीरे धीरे क्या होगा, सारी सेपरेट होंगी और बहुत सारे यीस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो आज हमने बेटा दो टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड हुआ है हमारा फिशन एंड बडिंग, बस इतना ही करेंगे। लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, NTSC वाले स्पेशली एग्जाम्पल्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, कि जहाँ पर डेफिनेशन पूछी जाती है वहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट, कि जो एग्जामिनर है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है एंड दैट कैन हेल्प यू ग्रैब एक्स्ट्रा मार्क्स। सो स्टार्ट करते हैं एक बार रिविजन को फटाफट से, कि क्या था फिजन, दो टाइप का बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी में तीन टाइप की, कौन से प्लेन के थ्रू डिवीजन हो रहा है, किसी भी प्लेन के थ्रू हो जाए तो सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल के थ्रू हो सिर्फ तो लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू हो तो हमने उसको क्या बोल दिया बेटा, ट्रांसवर्स। मल्टीपल में एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। फिर हमारा आया था बडिंग, बडिंग में क्या बताया था, एक आउटग्रोथ निकलेगी जो नया इंडिविजुअल बना देगी। एग्जाम्पल मैंने हाइड्रा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बडिंग का, जरूर याद होना चाहिए, प्लस यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है, बर्ड्स जो है वो बनते जाते हैं और एक चेन ऑफ यीस्ट सेल्स बन जाती है विच विल फाइनली गिव राइज टू मैनी यीस्ट सेल्स। आई होप जो आज मैंने पढ़ाया वो आप सबको क्लियर है, प्लीज मेक नोट्स ऑफ दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I again thank you all for giving so much support to our channel. Please keep liking, sharing and subscribing to our channel. Please support us. It takes lot of effort to make these videos. And stay home, stay safe, take care, stay happy, stay healthy. Take care of your family and friends. Thank you so much, students.